हाय फ्रेंड्स, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट बासी चावल से ही नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। स्टेप बाय स्टेप देखती जाइए और सारे ट्रिक मेरे फॉलो करती जाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। आज से आप बासी चावल हटाना छोड़ देंगी, आप रोज़ रोज़ बासी चावल ही बचाएंगी। अब जो बासी चावल आपका बचा हुआ है वो किसी जार में डाल करके उसको पीस लीजिए। मिक्सी के जार में पीसना है उसको। इसमें अब एक कटोरी रवा मिला दीजिए जिसे आप सूजी कहती हैं, फिर एक कटोरी भर के दही मिला दीजिए। दही डाल करके आपको फाइन पेस्ट पीसना है। चावल, रवा और दही डाल करके फाइन पेस्ट पीस लेना है। देखिए, एक बार में नहीं पीसा है, मैं दो बार में इसको पीस रही हूँ। बिना केमिकल, बिना इनो, बिना सोडा का ये आपका बहुत ही फ्लफी बन करके तैयार होगा। इससे नाश्ता जो बनेगा बहुत ही मुलायम, जालीदार और टेस्टी बन करके तैयार होगा। बार बार आप इसको बनाना चाहेंगे। आप इसे टिफ़िन में, लंच में, बच्चों के टिफ़िन में दे सकती हैं, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। जब तक ये पीस गया है तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक आइए सांभर बना लेते हैं। सांभर बनाने के लिए आधी कटोरी तुअर दाल और आधी कटोरी मसूर का दाल डालना है। फिर इसमें देखिए, दो बड़ा प्याज मैं कट की हूँ, जिसमें से कि डेढ़ प्याज मैं डाल रही हूँ, और ये एक टुकड़ा लौकी का है जिसको आप घिया भी बोलती हैं, और तीन चार हरी मिर्च है, और ये सांभर मसाला है। इसको आपको इसमें डालना है। इसमें चुटकी भर हींग डाल दीजिए। हींग ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो न डालें। वैसे हींग डालने से बहुत ही अच्छा इस सांभर का टेस्ट आता है। अब ये आम का पीस है, मैं ऊपर का पल्प निकाल चुकी हूँ, गुठली में थोड़ा थोड़ा सा बचा है। ऊपर का निकाल करके मैं चटनी बनाई हूँ, बाकी नीचे का हिस्सा मैं इसी में डाल रही हूँ। इमली की जगह पर मैंने आम का प्रयोग किया है। अब गुड़ या चीनी का प्रयोग मैं नहीं कर रही हूँ, गुड़ या चीनी के जगह पे मैं गाजर डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट इसमें मिठास आता है। अब आपने एक कटोरी दाल लिया है दोनों दाल मिला करके, तो आप इसमें चार कटोरी पानी ऐड कर दीजिए। चार कटोरी पानी ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा सांभर आपका बन करके तैयार होगा। आपको फिर से पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा, एक बराबर ही बन के तैयार होता है। हल्दी नमक डाल करके इसको चढ़ा दीजिए। जब तक ये पक रहा है तब तक आइए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक आम का पल्प है और दो लाल मिर्च है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती है और दो हरी मिर्च है। अब ये देखिए, ये मूंग का दाल है, मूंग का जो है दालमोठ है, ये बहुत ही टेस्टी मूंग का ये नमकीन लगता है। इस नमकीन को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चटनी में। आपने चटनी बनाई होगी लेकिन मूंग दाल से नहीं बनाई होगी। दो कली लहसुन का डालिए और थोड़ी सी हरी मिर्च डालिए। अगर आपके पास पुदीना धनिया की पत्ती है तो डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बिना पुदीने धनिया की पत्ती की ये बहुत टेस्टी चटनी बन करके तैयार होती है। ये देखिए, फाइन पेस्ट इसको पीसना है, पीस चुका है। अब आप इसको किसी बाउल में रख लीजिए। बाउल में रखेंगी तो ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर आएगा। अब जो आपकी मिक्सी में लगा हुआ है थोड़ा सा पानी डाल करके उसको भी धुल करके डाल दीजिए, क्योंकि ये भारतीय लोग कोई भी चीज़ अपना वेस्ट नहीं करते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट चावल का नाश्ता बन करके आपका तैयार होगा। अब ये देखिए, चटनी बन चुकी है। चटनी हमको इतनी थिक नहीं चाहिए, थोड़ी सी और इसमें पानी मिलाना है। थोड़ा सा पानी मिला करके इसको चला दीजिए। देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत गाढ़ी चटनी रहेगी तो इसमें स्वाद में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अब इसको बघारना है। बघार लगाने के लिए देखिए, सूखी लाल मिर्च है और ये बादाम है, ये राई है, ये चने की दाल है, ये उड़द दाल है और ये सफ़ेद तिल है। इससे हम इसको छौंक लगाएंगे। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट खुशबूदार ये छौंक बन करके तैयार होती है। अब इसके लिए आप इसमें पहले चने का दाल डालिए, फिर उड़द दाल डालिए। उड़द दाल और चने की दाल जब थोड़ी सी ये ब्राउन कलर की हो जाए, हल्की सी,
तब आप इसमें लाल सूखी मिर्च मिला दीजिए। फिर आप इसमें एक दो हरी मिर्च डालिए, सफ़ेद तिल डालिए, दो लहसुन का टुकड़ा डालिए और ये मेरे पास ड्राई करी पत्ता है, मैं डाल रही हूँ। आपके पास अगर ताजी करी पत्ता हो तो आप डाल दीजिए। आप इसमें तिल डाल दीजिए जो सफ़ेद रंग का तिल है, डाल करके इसको हिला हिला करके अच्छी तरह से ब्राउन कलर कर लीजिए। चलाती रहिए कि ये जले ना, जल जाएगा तो इसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। जलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा ये ब्राउन होना चाहिए। अब देखिए इसको चटनी में हम डाल देते हैं। कितना अच्छा देखिए टेक्सचर चटनी का आया है, बहुत ही देखने में डिलीशियस ये चटनी बनी है। आप लोगों ने चटनी बनाई होगी लेकिन इस तरह से नहीं, बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट ये चटनी बन करके तैयार होती है। एक बार अवश्य ट्राई करिएगा और खाने के बाद ही लाइक सब्सक्राइब करिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब देखिए एक और तड़का बनाएंगे। जो तड़के का सामान है उसी तड़के के सामान से हम फिर से एक तड़का बनाएंगे जो हमको वेटर में ऐड करना है। जो हमने चटनी बनाने के लिए सामग्री ऐड की है वही सामग्री हम इसमें डालेंगे। डाल करके इसको भी हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, अगर ये जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको थोड़ा थोड़ा हिलाती जाइए कि ये जले ना, जलेगा नहीं तो बहुत ही अच्छा खुशबू इसमें से आएगा। अगर आप इसको बनाएंगी तो सभी लोग सोचेंगे कि क्या बन रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको वेटर में डाल दीजिए, डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आपका वेटर कितना फ्लफी और कितना जालीदार बन करके तैयार हो गया है। अब इस पे इससे आप जो रेसिपी बनाएंगी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट रेसिपी बन करके तैयार होगी आप लोगों के लिए। अब इसमें देखिए एक चम्मच नमक ऐड कर दीजिए। अब आपको मैं दो तरह बताऊंगी, आप इसे चाहे तो कटोरी में भी बना सकती हैं और चाहे तो मोल्ड में भी बना सकती हैं। हमने देखिए तीन कटोरियाँ ली हैं और कटोरी में इसको मैं डाल रही हूँ। इसमें कटोरी में डालिए लेकिन आधी कटोरी डालिएगा, आधी कटोरी खाली रहना चाहिए इस तरह से, और इसको टैप कर दीजिए कि ये बराबर हो जाए। अब एक बर्तन में पानी रखिए, उस पर से जालीदार एक थाली रखिए, उस पर इसको रख दीजिए। इसको कम से कम 15-20 मिनट तक इसको पकने दीजिए। अब ये इडली का मोल्ड है, आपको इसमें मैं बता रही हूँ, इडली के मोल्ड में आप इसको डालिए और डाल करके आप इसको बना लीजिए, जैसे इडली बनाती है वैसे बना लीजिए। आपका बासी चावल का ये जालीदार टेस्टी इडली बन करके तैयार होने जा रहा है, जो स्वाद में बहुत ही अच्छा लगता है। अब आज के बाद आप बासी चावल फेंकना छोड़ देंगी, किसी को देना छोड़ देंगी, आप इसी बासी चावल से इस तरह का नाश्ता बनाएंगी। अब वो पक रहा है, तब तक आइए देखिए सांभर बन गया है। सांभर देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है, इसमें आपको पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बराबर परफेक्ट ये बन करके तैयार हुआ है। अगर मेरे रेसिपी से बनाएंगी तो आपका ये परफेक्ट ही तैयार होगा। अब ये कटोरी वाला इडली देख लीजिए, किसी भी सीख से देख लीजिए या चम्मच डाल के देख लीजिए, अगर ये हो गया होगा तो नहीं चिपकेगा, अगर नहीं हुआ होगा तो ये टूथपिक में चिपक जाएगा। ये हो चुका है, इसमें नहीं चिपक रहा। अब हम इसको निकाल के रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको कटोरी से निकालेंगे। ईजली ये कटोरी से निकल जाता है, बहुत ही अच्छे से निकलता है। इसको निकालने के लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ठंडा होने दीजिए। ठंडा होगा कटोरी उल्टा करेंगे निकल जाएगा। अब ये देखिए एक भगोने में पानी डाल करके मैंने इडली वाले ढांचे को भी इसमें डाल दिया है, ये भी पक रहा है, देखिए निकल चुका है। देखिए कटोरी बस उलटिए, कितने अच्छे से ये निकल जा रहा है, कितना सॉफ्ट और टेस्टी मुलायम, रुई की तरह मुलायम ये इडली बन करके आपकी तैयार हुई है। इसमें मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला नीचे डाल दिया है, अचार का मसाला डाल के बनाएंगी तो और ही ज़्यादा टेस्टी इडली बन करके तैयार होती है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ इस तरह से। अब ये देखिए फिर से छौंक बनाएंगे। जो जो सामग्री मैंने छौंक में डाला था वही सामग्री इसमें भी डालना है, डाल करके
हमको जो है कि सांभर में छौंक लगाना है। एक ही छौंक से आप पूरा छौंक सकती हैं, एक ही बघार से आप बघार सकती हैं इडली का बेटर, सांभर, चटनी। बस एक बार निकाल लीजिए, उसी में से थोड़ा थोड़ा डाल करके तीनों में छौंक लगा लीजिए। अब ये देखिए इडली बन करके तैयार हो गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए ये सांभर है, इडली है और ये चटनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। है ना बिल्कुल यूनिक, आ गया ना मुंह में पानी, बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है, अलग तरीके से बना हुआ है, अलग टेक्सचर है। देखिए कितना मुलायम कितना जालीदार ये बन करके तैयार हुआ है। एक बार बासी चावल से अवश्य बनाइएगा और खाइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। पहला ट्रिक तो है कि सांभर जो है वो दो दाल से मिल करके बनाना है और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट इसका स्वाद आएगा। चटनी भी इमली के जगह आम का प्रयोग करिए और मूंग दाल का प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छी टेस्टी स्वादिष्ट चटनी बन करके तैयार होगी। ये देखिए चटनी सांभर इडली बन करके तैयार हो गई है।